मैं हूँ सशि मिश्रा। सशि मिश्रा किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चावल की खीर। चावल की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 लीटर दूध, जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, 50 ग्राम चावल, ये 8 से 10 केसर हैं जो दूध में भिगो के रखा हुआ है, 7 से 8 बादाम हैं, ये 3 से 4 इलायची के कुटे हुए हैं दाने, ये 7 से 8 पिस्ते, ये 7 से 8 काजू, ये थोड़े से घी, पानी। चलिए दोस्तों अब बनाएंगे खीर। तो सबसे पहले हम चूल्हे को ऑन कर देते हैं, कढ़ाई रखेंगे। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़े से घी ताकि काजू को भूनकर निकाल लें। अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे। ये पूरा फुल क्रीम 1 किलो दूध लिया है मैंने, इसको हम 7 ml तक रखेंगे, बनाकर गाढ़ा करना है इसको। हल्के ब्राउन हम भून लेंगे काजू को, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब चूल्हे को ऑफ कर देंगे। काजू मेरा भुन चुका है, इसको हम भुन चुका है, अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम बादाम को भी थोड़ा हल्का भून लेंगे, बस 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड हो गया है और बादाम भी मेरा अच्छे से भून गया है, इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चावल। इसको 2 मिनट के लिए हमें भूनना है ताकि मेरी खीर बहुत ही अच्छी बने। ये भी भून चुका है अच्छे से, इसको आप एक प्लेट में निकाल लेंगे। चावल के टुकड़े मैंने इसलिए लिए थे कि इसकी खीर बहुत ही अच्छी बनती है, बिल्कुल गाढ़ी और अच्छी। अब दूध में उबाल आने लगा है, इसको हम तेज कर देंगे चूल्हे को। अब देखिए उबाल आ गया है, अब चूल्हे को कम कर देंगे। खीर बनाने में आधा घंटा से 45 मिनट का टाइम लगता है, ये आराम आराम से धीरे धीरे बनाने वाली रेसिपी है, इसलिए हम सीम आंच पर इसको बनाते हैं। चलिए बादाम के टुकड़े कर लें। ये देखिए सारे बादाम के टुकड़े काट लिए मैंने, इसको ऐसे ही लंबे लंबे काटने हैं, इसको रख देंगे। दूध भी मेरी गाढ़ी हो रही है धीरे धीरे। अब इसमें हम डाल देंगे केसर जो भिगो कर रखे थे मैंने। देखिए कलर कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसको लो फ्लेम पर ही उबालेंगे। चलिए दूध मेरी गाढ़ी हो चुकी है, अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चूल्हे को हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध पकड़ लेगा नीचे तले में। कभी भी खीर बनाने के लिए हमें मोटे तले वाला ही पतीला लेना चाहिए।
इसको लो फ्लेम पर ही 45 मिनट हम तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखिए लो फ्लेम पर ही गाढ़ी हो चुकी है खीर, किनारे किनारे मलाई भी आ चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। 20 मिनट हो चुके हैं तो देखते हैं इसकी, चावल भी अच्छे से पक चुकी है। 20 मिनट के लिए और इसको लो फ्लेम पर ही चलाएंगे। तो चलिए देखते हैं मेरी खीर बनकर तैयार है, कलर भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। मैंने इसमें केसर डाला था उसके वजह से ये खीर बहुत ही अच्छी दिख रही है। केसर डालने से खीर बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। अगर आपके पास केसर है तो डालें, ना है तो कोई बात नहीं, सिंपल भी खीर बनाई जाती है, बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। पचास ग्राम चावल लिया था मैंने 1 किलो दूध के लिए। इसमें आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 300 ग्राम ही चीनी डाला है। चीनी डालने के बाद 5 मिनट तक हम इसको चलाते रहेंगे। चीनी अपना पानी छोड़ता है, इससे खीर का टेस्ट खराब हो जाता है, इसलिए हम पहले इसको लो फ्लेम पर ही चलाते रहेंगे। ये देखिए चूल्हे को ऑफ कर देंगे। इसमें काजू डाल देंगे, बादाम के कुछ टुकड़े डाल देंगे, ये पिस्ता है, ये इलायची पाउडर। दोस्तों मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है खीर बनाने के लिए तो आप 1 लीटर दूध में 50 ग्राम चावल डालकर कुकर में बना लें और उसमें 1 कप या 1 कटोरी मिल्क में डालें, इससे खीर गाढ़ी बनेगी, अच्छी बनेगी और बहुत ही बढ़िया बनेगी। बनकर तैयार है दोस्तों, अब इसको काजू से थोड़े से गार्निश कर देंगे। ये पिस्ता, बादाम, अपने घर में बनाए और खाए। खीर बनकर तैयार है। मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।